नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? बहुत अच्छे। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है आलसी हिरन। एक दिन एक हिरनी अपने बेटे को एक बुद्धिमान के पास लेकर गई और उससे बोली, मेरे बुद्धिमान भाई, कृपया मेरे बेटे को भी अपनी जान बचाने की कुछ तरकीबें सिखा दो, ताकि वह भी संकट में फंसे तो अपनी जान बचा सके। बड़ा हिरन मान गया। छोटा हिरन बहुत ही शैतान था। उसका मन सिर्फ दूसरे बच्चों के साथ खेलने में ही लगा रहता था। जैसे ही उसका कक्षा खत्म होता था, वह बच्चों के साथ खेलने भाग जाता था। और इसी वजह से उसने बचाव की तरकीब नहीं सीखी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन खेलते खेलते वह एक जंगल में फंस गया और वहाँ पे वो एक जाल में फंस गया। जब उसकी माँ को यह पता चला तो वो बहुत रोई बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई। और फिर क्या हुआ, बड़ा हिरन उसके पास गया और उससे बोला, प्यारी बहना, मुझे दुख है कि तुम्हारा बच्चा जाल में फंस गया है। मैंने उससे सिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह कुछ सीखने को चाहता ही नहीं था, उसे तो बस खेलना ही था। अगर कोई विद्यार्थी सीखना ही नहीं चाहे तो शिक्षक उसे कैसे सिखा सकता है? तो बच्चों, यह कहानी से हमें क्या सीख मिली? अगर हमें कोई भी कुछ भी सिखाता है तो हमें सीख लेना चाहिए। अगर कोई भी हमें अच्छी चीज़ें सिखाए तो हमें हमेशा सीखना चाहिए।